साल हो गए, 12 बज गए हैं। मम्मी आप भी मेरा बर्थडे विश करो लो। थैंक यू गाइस। ये देखो मेरी सिस्टर का आज बर्थडे है, जिनका ब्लॉग है उनका आज बर्थडे है। ये मेरी मम्मा है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे बुआ जी हैं, ये है बर्थडे गर्ल। ये है बर्थडे गर्ल, इनका बर्थडे है आज। कितनी स्वीट क्यूट लग रही है, एकदम क्यूट की क्यूटी सी, एकदम प्यारी सी प्रिंसेस लग रही है एकदम। ये मेरी बुआ जी हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनका बर्थडे था। गाइस देखो इनके बर्थडे में इन्होंने माचिस जलाई थी, सॉरी कैंडल, अभी इनके बर्थडे में ये जला रही हैं। ये देखो कितनी स्मार्ट लग रही हैं दोनों, मोटी मोटी सी एकदम। सॉरी गाइस, गाइस सॉरी। ये देखो प्रिंसेस लग रही हैं एकदम दोनों की दोनों। गाइस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटू, हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे। गाने में तो चला नहीं रहे, सब मेरी अम्मी से बता देंगे। हेलो गाइस, ये देखिए। अरे ये क्या कर रहे हो? ये देखो मेरे पापा जी ने गिफ्ट दिया है मेरी सिस्टर को अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो मेरी मम्मा जी को केक खिलाते हुए, एकदम प्यारी लग रही है मम्मा जी। एक सेल्फी हो जाए, ये लो सेल्फी, क्या लो अब तो। ये मेरे चाचा जी हैं, एक मिनट, ये इनके हाथ में है, ये हमारा एक घर का है, इतना चुन्नू। ये मेरी सिस्टर है एकदम। ये देखो इनका केक कोई खा नहीं रहा है फिर भी खिला रही है, देखो ये देखो मम्मा, ये मेरी देखो देखिए सिस्टर को केक खिलाते हुए एकदम एकदम प्यारी प्यारी। सब कैसे हैं? आज है मेरा बर्थडे और रात में हमने सेलिब्रेट कर लिया था मेरा बर्थडे भी 12 बजे, और उससे पहले बुआ का कर लिया था, और सेलिब्रेशन के बाद हम सो गए थे और अभी उठे हैं और अब हो रहे हैं सुबह के 10:30। और ये बैठी है हमारी बुआ जी, बुआ पी रही है चाय और फैन, और ये हैं बुआ का ये खड़ूस गोपाल। अब हम रेडी हो गए और हम आज जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। ये देखो बन आए कर, सुबह हम कितने गंदे दिख रहे थे ना, अब देखो हम कितने स्मार्ट स्मार्ट रेडी हो गए। और ये देखो हमारी चाची भी इतनी सुंदर सी रेडी हो गई, चाची को देख के मम्मी ने साड़ी पहनी, मम्मी को देख के बुआ ने नहीं कपड़े बता रहे थे। चलो अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, नहीं बस स्टैंड जा रहे हैं।
हम बस जाएंगे। हे गाइस, अब हम आए हैं खाटू श्याम जी के दरबार, खाटू श्याम दिल्ली धाम। यहाँ पे ये अभी न्यू ओपन हुआ है ये वाला मंदिर, तो अभी हम राजस्थान तो जा नहीं पाए खाटू श्याम जी, तो फिर मैंने सोचा अब मेरा बर्थडे कहीं तो सेलिब्रेट होना चाहिए अच्छे से, तो हम आए हैं बाबा जी के दरबार। और ये हैं चाची, मम्मी, बाबू, भैया, दीदी, मैं। चलो अब हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं, ठीक है? ये हैं ऐसे ऐसे अंदर जाने का। हेलो, चल सकते हैं। और हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के दरबार, और ये तो बहुत ही सुंदर है। ये देखो, येलो येलो फ्लावर्स, नकली है बट ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे। ये हैं ये आ गए हम खाटू श्याम जी के मंदिर में बिल्कुल अंदर, और अद्भुत नज़ारा देख के आत्मा तृप्त हो गई है। चलो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये है ट्रक, ये है झूला, और अब जा रही हूँ मैं अंदर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बुआ आ रही है अब हमारी यहाँ से। हम थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कि हम चलते हुए जा रहे हैं। जय श्री श्याम। हमारे हाथ में है बाबा के लिए प्रसाद, फूलमाला, नारियल, इत्र, और जिसे भी आना हो वो मुझसे यहाँ का एड्रेस पूछ सकता है, मैसेज कमेंट कर सकता है मुझे, ठीक है? खाटू श्याम जी की बड़ी प्यारी सी तस्वीर, ये बनाई हुई है मूर्ति सी, बहुत सुंदर लग रही है भारत के नक्शे पे। बाबा जी के ट्रक है, ये ट्रक भर भर के खुशियाँ भेजते हैं लोगों के घर पे। और ये हैं, ये पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, ढोल, तासे, पता नहीं तबले, जिसे पता हो मुझे बता दे। मतलब सॉरी निकल जाता है ये हेलीकॉप्टर पंखा। और अब है खाटू श्याम जी के दर्शन करो सब, मैं भी आगे से भी करवाऊंगी पर अभी ऐसे देख लो।
खाटू श्याम मंदिर अलीपुर से आपको लाइव दर्शन। जय श्री श्याम। खाटू श्याम में आज हमने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। हम लाइव दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ अनुमति नहीं थी हम लोगों को इस चीज़ की। चलिए अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये हम लगा रहे हैं परिक्रमा, अंधेरा है थोड़ा। हाँ जय श्री श्याम। ये है श्याम जी का दरबार, माफ कीजिएगा। यहाँ से हम बाहर निकल गए हैं। और यहाँ से बाहर निकलने का परिक्रमा के बाद, और ये लोगों ने अपने घर की बिल्डिंगें बनाई है कि भगवान हमें भी ऐसी बिल्डिंगें बना देना, हमें भी इतना बड़ा घर बना देना। ये देखो हमारी पलटन आ रही पीछे से। देख रहे हैं आप जो देख रहे हैं, ये पीछे का दर्शन मंदिर के। चारों तरफ लोगों ने ईंटों से घर बनाए हुए हैं। ये मन्नत रखी हुई है लोगों की कि हमारा घर बार हो जाए, तो इसमें हम लोगों ने भी अपनी मन्नत रखी है कि हमारा खुद का भी मकान हो जाए। और इसमें प्रियंका ने भी अपना सहयोग दिया है कि प्रेम और प्रियंका जी का भी एक घर हो, मीना का घर हो, बरखा जी का घर हो, और साथ में मेरा भी घर हो। तो ये मन्नत हमने पूरी करने के लिए बाबा जी से दरख्वास्त लगाई है। आप देखो बाबा जी कब सुनते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, मंदिर से हम बाहर निकले थे। यहाँ से अंदर से बाहर का रास्ता है। बाहर निकलने के बाद सभी लोग अपनी अपनी मन्नत के लिए यहाँ से ईंटें निकालते हैं। जो घर खंडित हो जाते हैं उन्हीं ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है, जो ठीक है उनको नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये यहाँ खाटू श्याम जी में इन्होंने एरोप्लेन भी बनाया है। आई थिंक आपको दिख जाएगा अच्छे से, क्योंकि मुझे ना धूप की वजह से ना अपने फ़ोन की स्क्रीन ठीक से स्क्रीन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यह है रेल के पट्टी, यहाँ रेल का डब्बा भी बनाया है और अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ आ। ये बनने वाला है यहाँ पे एयरपोर्ट रेस्टोरेंट बनने वाला है, जिसके लिए अभी यहाँ पे एरोप्लेन ला के खड़ा किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है ना, इस वजह से हम यहाँ पे बस फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं कि जिससे ऐसे लगे कि हम बस प्लेन में जा रहे हैं कहीं घूमने। और अभी इसमें ना कुछ कलर वलर कुछ भी नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही है। और वहाँ पे है वो रेल की पटरी और रेल का डब्बा है, और अभी काम चल रहा है। अभी मतलब शायद इसको एक साल ही हुआ है अभी बनते हुए, तो अभी सिर्फ मंदिर ही तैयार हुआ है और कुछ हिस्से तैयार हुए हैं अभी। जैसे में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो भी रेडी नहीं हुई, वो धीरे धीरे हो जाएगी। एक साल के अंदर आई थिंक प्रॉपरली बन जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी और ने तो अपनी ना अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा ली, मेरे को इतना शौक़ नहीं है फ़ोटो क्लिक करवाने का। चलो ये सब वहाँ बैठ गए हैं थकार के। ये देखो मैं जा रही हूँ प्लेन के नीचे से। और आज बताना, आज मैंने अपने बर्थडे पे न्यू सूट पहना है, और मैं अपने बर्थडे पे आज श्याम बाबा जी से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। और ये देखो यहाँ बैठी है महिला मंडल। थक गए हम चल चल के। ये देखो ये सब थक गए हैं, इनके पैर हो गए मज़दूरों वाले। मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इनके पैर ही दिखाऊंगी, मुंह नहीं दिखा सकती मैं आपको। इन मज़दूरों के पैरों को देख लीजिए, यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी ये। मम्मी आपके पैर दिखाइए जरा कृपया करके। इनके पैरों से तो रात भर आप सो ही नहीं पाओगे, और मेरे पैर देख के तो आप वैसे कैमरे में मेरे पैर साफ आ रहे हैं, मेरे भाई के पैर भी साफ आ रहे हैं। चलो अब हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ से हट के। भाई साहब अभी तो बड़ा खतरनाक सा है। ये भी रेडी हो रहा है यहाँ पे। ये वो है जल मंथन कि वो बन रही है मूर्ति, बट अभी रेडी नहीं हुई। खेल रही है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी हमारा दूसरा बड़ा लड्डू, भाई बहन खेलते हुए दोनों।
अब हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं बाबा जी के, बाबा जी के दरबार में, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे बाद में। दर्शन कर लिए हैं और हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि भूख लग रही है और सुबह से नहीं थे ना, तो ये हमारी चिड़िया की रोने की आवाज़ है प्रतीक्षा की, मम्मी लेने गई है कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। अब दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत देर तक बैठे रहे, घूमे पूरे, बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही। और आज मेरा बर्थडे यादगार बर्थडे हो गया, क्योंकि हमें श्याम बाबा जी ने अपने दरबार में बुलाया। सो आई एम वेरी 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 लक्की। ये देखो ये लेके आए हैं चाय, ये चाय वाली दीदी बन गई है यहाँ पे। ये इन्होंने यहाँ पे नया कारोबार खोला है चाय का। और है यहाँ पे कचौड़ियाँ, बहुत स्वाद है। और ये हमारी दीदी जी, ये हमारा लब्बू जी। लब्बू आए कर जल्दी। तो अभी हम खाटू श्याम में ही हैं, बस अब घर जाने की तैयारी चल रही है। बस अभी थोड़ी देर और बैठे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लाइटिंग वगैरह भी हो गई है मंदिर में, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? दो मिनट। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है आपको शाम को, और जैसे जैसे रात होती जाएगी बहुत सुंदर लग रहा है ना। देखो ₹10 सवारी सामने से देखो। ये देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग वगैरह भी हो गई है बाबा के दरबार में। मैं बस आपको दर्शन करवा रही हूँ, बाबा से जो मांगना हो आप प्लीज़ मांग लेना अच्छे से। मैं भी आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये रे बाबा जी। बस अब मैं जा रही हूँ बाहर, मम्मी और चाची बाहर वेट कर रही है, और ये बुआ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, और हमारा भाई बोल रहा है हॉर्स राइडिंग के लिए, पर हम इसको किसी भी चीज़ में नहीं घुमवा रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी हॉर्स राइडिंग है। चलो आजा बेटा। अब हम जा रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं, पीछे हैं बाबा का दरबार। बुआ कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत मन को शांति मिली, बहुत सुंदर है। आप लोग जो भी देख रहे हो आप भी आना इधर, बहुत सुंदर है बाबा का धाम, बहुत सुंदर है। सब लोग आना जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं। मेरी नाव चला जाओ, अब हम जा रही हैं बाहर, निकल गए हैं ऑलमोस्ट। अभी देखो, अभी दिखाती हूँ मैं अपनी मम्मी और बुआ। देखो आइए जी, आइए। हो आए, बड़ा ही अच्छा लगा हमें। चाची जी घर चलने के लिए तैयार है? हाँ, चलो जल्दी चलो। ये देखो इन्हें तो जल्दी लगी है। सो आप बताइए माता जी कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। श्याम जी में आके, धाम में, श्याम मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लगा आज हम लोगों को। पहली बार ये मंदिर हमने देखा है। आज जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँच गए, और आने के बाद जब से हम आए 5 घंटे हो गए, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, इतना अच्छा मंदिर लगा। तो सभी लोग यहाँ जरूर आए, खाटू श्याम मंदिर अलीपुर। कोई राजस्थान नहीं जा पा रहा है तो वो यहाँ पे आके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, ठीक है? बाबा एक ही है धाम, जगह जगह है, आप आ सकते हो। अलीपुर, अलीपुर, बुआ ने तो ऐसा बोला ना, अलीपुर अलीपुर, वो जाते नहीं रेडी वाले। अलीपुर अलीपुर, नान खटाई नान खटाई नान खटाई। और कुछ कहना चाहेंगी मम्मी? बस तो ये कहना आपको चाहेंगे। याद रहेगा कि आपकी बेटी का बर्थडे कहाँ मनाया गया है? 19 अक्टूबर 1998 में प्रियंका का जन्म हुआ था, बिहू का, और आज हमने ये सेलिब्रेशन यहाँ खाटू श्याम मंदिर में बनाया। अच्छे से घूमे फिरे, खूब मौज मस्ती की है आज हमने यहाँ पे, और आप लोग भी आओ अपने बच्चों को लेके और इनको घुमाओ फिराओ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए अब हम घर जा रहे हैं, अब हम आपको सीधा घर जाके मिलेंगे, ठीक है? ये देखिए बाहर निकल गए हैं हम, ठीक है? बाय बाय।